हाय फ्रेंड्स, दोस्तों, कब्ज घर घर की बीमारी है। हर घर में कब्ज का कोई ना कोई पेशेंट रहता है। यह छोटी बड़ी हर उम्र में होती है। छोटे बच्चों में भी कब्ज होती है, यंग एज में भी होती है, ओल्ड एज में भी होती है। छोटे बच्चों में कब्ज ज़्यादातर तब होती है जब वो मिल्क डाइट से सॉलिड डाइट पे शिफ्ट होते हैं और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, या जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वो वहाँ का एनवायरनमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाते और टॉयलेट जाने में हेजिटेट करते हैं स्कूल में। यंग एज में कब्ज डिप्रेशन, साइकोसिस, ओवरवर्किंग, बहुत ज़्यादा दिमागी तनाव में रहना, इन सब कारणों से भाग दौड़ मची हुई है, तो उस वजह से यंग एज में कब्ज की बीमारी बहुत रहती है। ओल्ड एज में भी कब्ज की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है, रेदर ओल्ड एज में तो सबसे ज़्यादा है। ओल्ड एज में तो आप किसी भी घर के बड़े आदमी से बात करेंगे तो वो एक ही बात कहता है कि पेट साफ नहीं होता, ऐसा लगता है कि टॉयलेट जाने के बाद भी अभी तक कि अच्छे से इजी महसूस नहीं होता, गैस रहती है, भारीपन रहता है, और वो सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि पेट साफ हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। तो इसलिए कब्ज कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। आयुर्वेद में तो इसको सभी बीमारियों की माँ कहते हैं, यानी दिस इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेज। इसी कब्ज से ही सारी बीमारियां जन्म लेती। इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज के अकॉर्डिंग तो 22% लोगों को कब्ज की बीमारी है, ऑल्दो प्रैक्टिकली वी डिफर, हमें लगता है इससे बहुत ज्यादा है, पर अगर हम उस न्यूज के हिसाब से भी देखें तो इंडिया में 29,70,00,000 लोगों को कब्ज की बीमारी है। साइन सिम्टम होते हैं, क्या लक्षण है कब्ज के। कब्ज के लक्षण है आपको टॉयलेट में ज्यादा देर बैठना पड़े, बहुत जोर लगाना पड़े, स्टूल जो है हार्ड आए, या जैसे लम्स बने होते हैं ऐसे स्कूल पास हो, टॉयलेट जाने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि प्रॉपरली पेट साफ नहीं हुआ, या टॉयलेट नहीं भी गए आप तो आपके अंडरगारमेंट वगैरह को कोई स्टेनिंग होती है, पॉटी लग जाती है, तो वो भी एक कब्ज का ही सिम्टम हो। कब्ज को टेक्निकली हम दो कारणों से मान सकते हैं। पहला कारण है कि इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होती हैं वो स्लो हैं। दूसरा कारण है कि जहां से एग्जिट होना स्टूल है वहां एनोरेक्टल जंक्शन में कोई प्रॉब्लम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कब्ज के कारण क्या है, क्यों होती है कब्ज। जो कॉमन कारण है वो क्या है, कम पानी पीना, फाइबर इनटेक कम होना, या फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल ना होना, उसकी वजह से डाइजेशन नहीं होती, या आप कुछ ऐसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया जिससे डिहाइड्रेशन होती है, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से डिहाइड्रेशन होती है, तो उससे भी स्टूल हार्ड हो जाता है। ये कब्ज के कॉमन कारण है। कुछ रेयर कारण भी होते हैं। रेयर कारण क्या है, जैसे इंटेस्टाइन में कोई कैंसर है तो वो पाइप को ब्लॉक कर देगा। दूसरा, अगर वहाँ कोई पॉलिप या कोई गांठ है वो भी रास्ते को ब्लॉक कर देगी। तो ये दीज आर नॉट वेरी कॉमन, दीज आर रेयर कॉजेस, पर हम इन कारणों को लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि जो कैंसर से डेथ का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो बाउल कैंसर से डेथ का रिकॉर्ड बहुत हाई है। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ कैंसर। तो इसलिए अगर किसी को भी कब्ज ठीक नहीं होती तो उसको डेफिनेटली डायग्नोज कराना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि क्यों नहीं ठीक हो रही। कब्ज टेक्निकली दो तरीके की होती है, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट मतलब जो अभी थोड़े टाइम से हुई है, क्रॉनिक जो पुरानी कब्ज है। एक्यूट कब्ज का कारण है जैसे किसी ने सर्जरी कराई तो सर्जरी कराने के बाद अब उसकी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई, या किसी भी वजह से फीवर वगैरह से पेशेंट बेडरिडन है, या कोई ऐसी फास्टिंग वगैरह कर ली आपने कि जिसकी वजह से आपने प्रॉपर खाना नहीं खाया तो उससे कब्ज होगी। ये एक्यूट कॉन्स्टिपेशन होती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है जो सालों साल से चल रही। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम समझ गए कि कब्ज क्यों होती है, कब्ज के क्या लक्षण है। अब कब्ज ठीक कैसे होगी। कब्ज को ठीक करने के लिए हमको सबसे पहले लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या आता है, खाने को कैसे खाना है, जैसे खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए, खाने से आधा घंटा पहले बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो बहुत डिटेल में आप समझ जाएंगे कि खाने को कैसे खाना चाहिए। कुछ योगिक एक्सरसाइजेस होती हैं, अगर आप उनको करते हैं तो डेफिनेटली आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमने राणा हॉस्पिटल में कॉन्सेप्ट बनाया है जिसका नाम है मैप्स।
इसमें कुछ योगिक एक्सरसाइज हैं, अगर आप उसको करो तो आपकी कब्ज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मैं जो कहना चाहता हूँ वो मल्लासन है, जिसको हम टेक्निकली स्क्वैटिंग पोजीशन कहते हैं। तो स्क्वैटिंग पोजीशन में अगर आप टॉयलेट में बैठते हो तो उससे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाती है। मैप्स कॉन्सेप्ट की वीडियो का लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको जरूर देखें, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। आगे आता है कि मसाज होती है, एब्डोमिनल मसाज। एब्डोमिनल मसाज से भी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है, तो आपको एब्डोमन की एक प्रॉपर तरीके से मसाज करनी है। यहाँ इलियोसिकल वाल्व होता है, वहां से आपको असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन और फिर सिग्मॉइड कोलोन तक रब करना है फिंगर की टिप से। जब आप इसको प्रॉपरली करते हो, इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे, पर इससे कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। इसकी डिटेल वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तनाव भी कब्ज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। आपको मानसिक तनाव को कम करना है। जब आप टॉयलेट में जाते हैं तो अगर वहां कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा सकते हैं, स्पेशली वो म्यूजिक जिसमें वाटरफॉल का म्यूजिक हो, तो दैट इज टेक्निकली और जो प्रूवन है विद टाइम कि बहुत बहुत इफेक्टिव है वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। आगे आते हैं टॉयलेट हैबिट्स। टॉयलेट हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, टॉयलेट में हमको कितनी देर बैठना चाहिए, टॉयलेट में हमें 3 से 5 मिनट लगने चाहिए, टॉयलेट में हमेशा हमें स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठना चाहिए। अब वो इंग्लिश सीट पर कैसे पॉसिबल है, आपको बैठना है, अपने पैरों के नीचे एक स्टूल रखना है, आपके जो नीज हैं वो आपके हिप्स से थोड़ा ऊपर होने चाहिए, और इसमें हमेशा जो एंगल है वो 35 डिग्री होना चाहिए, नॉट 90 डिग्री। सीधे नहीं बैठना, ऐसे बैठना। ऐसे जब आप बैठते हैं तो एनोरेक्टल रिंग रिलैक्स हो जाता है और स्टूल इजीली पास ऑन हो जाता है। तो हमको टॉयलेट में इन 2 बातों का खास ध्यान रखना है। बाकी टॉयलेट हैबिट्स के लिए हमने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बनाया है जिसका नाम है नेस्ट, NESTS। इसकी डिटेल वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये सारी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में देने का मतलब ये है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको सारी बात समझ आ जाए। अगर आप सारे को डिटेल में देखेंगे, ये श्योर यू आपकी कॉन्स्टिपेशन फॉर श्योर ठीक हो जाएगी। छोटे छोटे 3 स्टेप्स हैं जिससे आप अपनी पेरिस्टाइलिस यानी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट, सुबह उठते ही 2 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर पीना है। सेकेंड, आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। जब आप स्ट्रेच करते हो बॉडी को तो स्टमक को ब्लड की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, उससे भी पेरिस्टाइलिसिस इंप्रूव हो जाती है। थर्ड, ब्रेकफास्ट जो है आपको उठने के 30 से 40 मिनट के अंदर करना है, इससे भी पेरिस्टाइलिसिस इंप्रूव होती है। नॉर्मल प्रोसेस क्या है डाइजेशन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, इसी से आप समझ पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम कैसे ठीक हो। आपका खाने का पचने की जो प्रक्रिया है वो मुंह से शुरू होती है। सबसे पहले मुंह में जो दान दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं कि आप खाने को च्यू कर सकें, यानी बड़े पार्टिकल को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकें, या अगर योगिक भाषा में कहें तो आपको खाने को पानी बनाना है, इतना ज़्यादा च्यू करना है। तो मुँह से डाइजेशन शुरू हुई, फिर मुँह से जो खाना है वो पेट में पहुँचता है, पेट में जो डाइजेस्टिव जूसेज और बाइल मिलकर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो कोलोन में पहुंचता है। कोलोन की लंबाई 3 से 5 फीट होती है। कोलोन में लिक्विड स्टूल पहुंचता है और कोलोन उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। कोलोन के 4 काम होते हैं, वाटर को रीअब्जॉर्ब करना, पेरिस्टाल्सिस से उसको आगे लेके जाना, और फाइनली स्टूल को रेक्टम में स्टोर करना, और फाइनली उसको पुश करना, बाहर जाना। ये 4 काम कोलोन के होते हैं। जब स्टूल एक बार रेक्टम में पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली एनोरेक्टल एंगल और इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद आपको सिग्नल मिलता है ब्रेन को कि आपको टॉयलेट जाना है। आप टॉयलेट जाते हो, वहां पे जाके स्ट्रेन करते हो तो उससे एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है और स्टूल पास हो जाता है। अब टेस्ट क्या है, हमें पता कैसे चले हमको कब्ज है भी है कि नहीं है। नंबर 1, ब्रिस्टल स्टूल चार्ट। ये कैसा चार्ट है, अगर आप इसको ध्यान से समझ जाएंगे, इसकी डिटेल पिक्चर हमने दिया, आप इसको ध्यान से देखिए, आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका स्टूल कैसा है और उसके हिसाब से आप कॉन्स्टिपेटेड हैं भी हैं या नहीं। दूसरा होता है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में एक वीडियो कैमरा से पूरे इंटेस्टाइन को चेक किया जाता है कि उसके अंदर कोई ग्रोथ या कोई पॉलिप या कुछ तो नहीं है जिसकी वजह से आपका स्टूल रुक रहा हो। तीसरा होता है डेफ्रोकोग्राफी, जिसमें आपका स्टूल जब पास हो रहा है तो एक डाई को साथ में दिया जाता है, तो डाई को जब आप एक्सरे लेते हैं तो आपको पता चलता रहता है कि स्टूल कहाँ पहुंचा है। इसको डेफेकोग्राफी टेस्ट कहते हैं।
अब कुछ छोटे छोटे होम रेमेडीज हैं जिसको आप घर बैठे ही कर सकते हो और जिससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। जैसे आपको ल्यूकोम वाटर किया, उसमें कुछ प्रूनस को डाला एक बाउल में, ल्यूकोम वाटर को डाला, मैश किया, उस ल्यूकोम वाटर को छान के पी लिया, दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर कॉन्स्टिपेशन। नंबर टू, जिंजर को आपने छोटे छोटे पीसेस में काटा और उसके साथ में मिंट लिया और उसको ल्यूकोम वाटर में डाल के चाय की तरह पिया दिन में 2-3 बार, दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव फॉर कॉन्स्टिपेशन। थर्ड, जो लोग कॉमनली यूज करते हैं कि कोसा पानी आपने ल्यूकोम वाटर किया, उसमें नींबू निचोड़ दिया और 1 चम्मच शहद डाल दिया, इसको सुबह चाय की तरह पीना होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। दूध में 1 चम्मच देसी घी डाल के रात को लेना भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्पफुल है। पुराने बुजुर्ग तो ये मानते थे कि कॉन्स्टिपेशन और कुछ नहीं, इंटेस्टाइन की खुश्की है, तो ऑयल्स लेने से ये ठीक हो जाती है और काफी हद तक उनकी ये बात ठीक भी है। बस इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल तो आपको नहीं लेना है। लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हर्बल डिकॉक्शन या हर्बल पाउडर है, जो एंशियंट साइंस हमेशा कहती है कि बहुत इफेक्टिव है और इसकी एडिक्शन नहीं होती, वो है त्रिफला चूर्ण। हरड़ भेड़ा आंवला एक मात्रा में आपको लेके पीस के उसको रात को 1 चम्मच पानी के साथ लेना है, इससे भी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। आपको कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी दिन में पीना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, बॉडी में पानी की कमी है, तो स्टूल हार्ड होगा ही होगा और आप कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे ही रहेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो सारे पेरेंट्स को अच्छे से समझनी है, वो क्या है कि छोटे बच्चों में रेक्टल प्रिपरेशन यूज नहीं करनी चाहिए, दिस इज नॉट गुड। जैसे छोटे बच्चों में डेलकोलेक्स की सपोजिटरी लोग अक्सर रख देते हैं कि इससे पेट साफ हो जाएगा, दैट इज नॉट यूजफुल, और वो जब तक डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करता आपको ये कभी यूज नहीं करना। लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है कि लेक्सेटिव्स, हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग घर में अपनी मर्जी से कब्ज की दवाइयां, चूर्ण ये सब बनाते हैं और लेते हैं, दिस इज नॉट गुड। जैसे किसी को कॉफी की, किसी को अफीम की, किसी को अल्कोहल की, किसी को स्मोकिंग की एडिक्शन है, वैसे ही लेक्सेटिव भी एक एडिक्शन बन जाता है और अब्यूज बन जाता है। आपको, आप इतने एडिक्ट हो जाते हो कि बिना लेक्सेटिव के आपका स्कूल ही पास नहीं होता और आप हमेशा उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो और उसके बाद कुछ समय के बाद वो असर भी नहीं करता। तो इसलिए प्लीज फॉर गॉड सेक, आप जब भी लेक्सेटिव शुरू करें, कोई भी दवाई, तो बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के कभी ना यूज करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पज ये है कि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तो आई होप हमने आपकी सारी क्वेरीज को एड्रेस किया है। तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट कि हम कुछ आपको अपडेटेड रखें और जो भी नई वीडियोज आए उसके बारे में आपको हमेशा इंफॉर्मेशन पास ऑन होती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर